दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य और अवैध गिरफ्तारी खिलाफ इंडिया गठबंधन की जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली हुई। रैली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरते स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह संदीप पाठक मंच पर पहुंचे। इसके अलावा गठबंधन के सभी घटक दलों के राष्ट्रीय नेता भी मंच में शामिल हुए। इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के राष्ट्रीय नेता ने भी इस मंच में शामिल हुए। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, संजय राउत, मनोज झा समेत तमाम बड़े नेता इस रैली में इकट्ठा हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में रैली की गई थी, उसमें भी कहा गया था कि अन्याय किया जा रहा है। भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए सीएम केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। यूपी ने इस बार भाजपा को हराकर अपना फैसला समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दिखाया है। भाजपा को ये पता होना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है, जो उनका स्वार्थ देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं, वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी का डीएनए और इंडिया गठबंधन का डीएनए एक है। गुजरात के जो दो तानाशाह हैं वो सबसे डरपोक हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो बताएगी कि ईडी और सीबीआई क्या है, यही इन दोनों तानाशाहों को भी जेल में डालेगी। क्या संदेश देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं पूरे इंडिया ब्लॉक के साथ जोड़कर? देखिए, कोशिश तो ये है, संदेश नहीं, कि केजरीवाल जी को नहीं जेल में डाला है, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला है और पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी के साथ। जिस तरीके वह इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों ने क्या क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आम आदमी पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इंडिया गठबंधन की एकता आज इस मंच पर नजर आई। कुछ लोग थे जो कहा करते थे कि इंडिया गठबंधन चुनाव आने से पहले ही बिखर जाएगा। आज शायद मंच पर इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी के एक एक बड़े से बड़े कद्दावर नेता को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन फेविकोल से जुड़ा हुआ इस देश के 135 करोड़ भारतवासियों के सपनों का गठबंधन है और पूरी तरीके से एकजुट है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है। अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, या पहले संजय भाई थे, या हमारे झारखंड के हेमंत जी हों, झारखंड के हेमंत जी को जब जेल से आजादी मिली तो हाईकोर्ट ने कहा कि 1% भी कहीं इनके दोष का आधार नहीं है। लेकिन उनका दोष था, अरविंद जी का दोष है कि देश के दो सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। ऐसे दो ताकतवर लोग जिनको लगता है कि संविधान उनके दरवाजे पे बंधी हुई गाय। कह रहा था ये जो दो दिन पहले घटना हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के
आज जब पूछा जा रहा है कि एलजी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोग हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के, आज जब पूछा जा रहा है कि एलजी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, एलजी चुप है, भाजपा चुप है, केंद्र सरकार चुप है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जेल में तो है या इस्तीफा देना चाहिए। मैं भाजपा युवाओं से कहना चाहता हूं चैलेंज देकर के दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जैसे पूरे देश में चुने हुई सरकार के पास सरकार को चलाने का निर्णय करने का अधिकार। साथियों और दोस्तों, आज हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। मोदी जी की सरकार ने, देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, मोदी जी आप तानाशाह हैं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के सिपाही हैं। कहां जाएं फिर हम, सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं, बता तो दो कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं, कौन सा वकील करें बता तो दो, कसूर क्या हो गया बता तो दो, क्या कसूर हो गया, स्कूल ही बना दिए यार, क्या कसूर हो गया यार, अस्पताल बना दिए यार, क्या कसूर हो गया यार, बिजली फ्री कर दी यार, क्या कसूर क्या हो गया यार, हद है यार। मतलब हद है यार। बहरहाल देखना यह होगा कि इस रैली का क्या कुछ असर होता है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।